वेलकम टू प्यू किचन फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बनाऊंगी पुदीने के खट्टे मीठे चटनी, जो आप ढोकले के साथ खा सकती है, इडली के साथ खा सकती है, सैंडविच के साथ खा सकती है, किसी भी चीज़ के साथ खा सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पुदीने के खट्टे मीठे चटनी। पुदीना के चटनी के लिए यहाँ पर मैंने पुदीना के पत्ते लिए, फिर उसके डंडियाँ तोड़ के फिर अच्छे से 2 से 3 बार पानी में धो के लिया है। उसके बाद सेम एक कटोरी धनिया, हरा धनिया, उसको भी साफ करके अच्छे से धो के लिया है। यहाँ पर मैं एक मिक्सिंग जार लूँगी, उसके अंदर ये सारे पुदीना के पत्ते को डाल देंगे, हरा धनिया भी डाल देंगे। हरा धनिया और पुदीना मैंने सेम सेम लिया मेजरमेंट। फिर यहाँ पर मैंने अदरक के टुकड़े लिया है 2-4, 2 हरा मिर्ची, आपको अगर तीखा पसंद है तो और ज़्यादा डाल सकते हैं। हरा मिर्ची के बाद इधर मैंने 1 चम्मच नमक लिया, 1 चम्मच काला नमक लिया, काला नमक से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, आप लोग चाहे तो कच्चा कढ़ी जो मिलता है ना वो भी डाल सकते हो, बहुत अच्छा टेस्ट होता है उसमें। खट्टापन के लिए मैंने यहाँ पर नींबू लिया है 1/2, पूरा एक बड़ा साइज का नींबू मैंने इसके अंदर डाल रही हूँ। मीठापन के लिए मैंने यहाँ पर गुड़ लिया है, गुड़ को मैंने ऐसे छोटे 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 करके लिया है जो पीसने में आसानी हो जाए, वो भी डाल रही हूँ। गुड़ के बाद अब इसमें मैं डालूंगी कच्ची मूंगफली, कच्ची मूंगफली ये मैं 2 से 3 चम्मच डाल रही हूँ, 3 चम्मच डाल रही हूँ। तो अब ये सारे चीज को मैं मिक्सी में पीस लूंगी। देखिए रेडी है मेरे पुदीने के खट्टे मीठे चटनी, देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा कलर आया और थिकनेस देखिए। इसमें ना बहुत ही कम पानी डाल के पीसना है आपको, एकदम से ज़्यादा पानी मत डालना, थोड़ा 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 सा ही पानी दे के पीसना है। देखिए अब मैं इसको एक बोल में साफ करके दिखाती हूँ, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये मैंने आज अभी निकाल के लिया है आज के खाने के लिए, अभी बाकी जो बचा था उसको मैंने, ये देखिए बाकी जो बचा उसको मैंने ऐसे कांच के भरमी में भर के रखा है, वो फ्रीज में रख के आप 7-8 दिन के लिए भी रख सकते हैं। रेडी मेरे खट्टे मीठे पुदीने की चटनी, बहुत ही टेस्टी लगता है, रोटी के साथ खाइए, थाली के साथ खाइए, किसी भी चीज़ के साथ खाइए, सैंडविच बना के खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है, ढोकला के साथ खाइए, बहुत कुछ है, आप फ्रीज में स्टोर करके हर एक चीज़ के साथ मजा ले सकते हैं। आपको अगर हमारे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ ये ट्राई करिए घर पे, ट्राई करने के बाद फिर कमेंट करिए कैसा लगा आपको हमारे साथ देने के लिए अभी तक। थैंक यू।